الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين. सूरह अल कसस इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज कंप्लीट हो जाए। 67 ऑनवर्ड्स हम करेंगे और 67 से हमने देखा था कि इसमें जो एक कंटिन्यूस हम इसको करते हैं, ऑलरेडी हमने ये आयत देखी थी, फअम्मा मन ताबा व अमना आमिलुस सालिहन फअसा अन यकूनु मिनल मुफ्लिहीन। अब यहाँ पर फरमाया जा रहा है कि जो लोग, यहाँ एक शर्त है, फअम्मा और मन ताबा, हाँ जो शख्स तौबा कर ले, ईमान ले आए और नेक काम करे, यकीनन है कि वो नजात पाने वालों में से हो जाएगा। दिस इज द की थिंग, मतलब अगर वो तौबा कर लिए, ईमान के साथ अमले साले करे, तो फअसा आई यकूना मिनल मुफ्लिहीन, तो अब ये फला पाने वालों में से हो जाएंगे। तो दिस इज द थिंग कि अगर आपको फला पाना है तो दीज आर द एलिमेंट्स यू शुड हैव, अगर नहीं तो फिर नहीं। और आगे जो आज के लेसन में आएगा कि फिरौन के साथ ही जो थे ना कारून, कारून के बारे में आएगा, और कारून क्या था कि ये एक फसाद करना, करप्शन करना लैंड में, इस तरह से वो अमल करता था। तो कारून के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह वो मुफसिदीना फिल अर्थ करने वाला है। और मूसा अलैहिस्सलाम का हम स्टार्टिंग में किस्सा देखे और उम्मे मूसा के बारे में देखे। तो लेट्स कंटिन्यू। अब यहाँ पर बताया जा रहा है किस तरह अल्लाह सुभान अल्लाह ताला क्या है चूज करते। तो व रब्बुका यखलुकु मन यशा व यख्तारु। अब ये जो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बता रहे हैं, और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है चुन लेता है, उनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह ही के लिए पाकी है, वो बुलंदतर है, हर उस चीज के लोग शरीक करते हैं। मतलब यहाँ पर शिर्क की तर्दीद की जा रही, कम्प्लीटली अबैंडन ऑफ द शिर्क। व रब्बू का मतलब आपका रब, और यखलुकु क्या है, अल्लाह ताला बनाता, क्रिएट करने वाला कौन है, अल्लाह ताला, मा यशा जिसको जैसे चाहे, यख्तारु क्या है, खियरा से है, कोई चीज चूज करना बनाना, यख्तार मतलब इख्तियार से है, खैर से है, इख्तियार क्या है, फ्रीडम टू चूज है इसमें, क्या डिसलाइक करना लाइक करना। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला जो खैर समझे, जो गुड समझे, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला के पास अलोन उनके पास किया है, वो क्रिएटर है, हम सब क्रिएशन है। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला क्रिएट करे, चूज करे, एवरीथिंग क्या है, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला को ही बिलोंग करती, जो सारी सुप्रीम अथॉरिटी है, किंग है, वो सारी अथॉरिटी अल्लाह सुभान अल्लाह ताला के पास है और वो ही ओन करते हैं, और उसके अलावा और किसी के पास ये ओनरशिप नहीं है, वो चीज़ यहाँ पर मेंशन की जा रही है। और ये जो क्रिएशन है ना, ये ह्यूमन बीइंग के पास से अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम समझते कि लिबर्टी है, लेकिन अल्लाह ताला ही है सुप्रीम अथॉरिटी उनके पास। और इससे पहले हम मतलब आगे हम बढ़ते हैं, सूरह अनकबूत में इस तरह से भी आया था कि शिर्क के बारे में, जो शिर्क करता ना, वो अल्लाह को छोड़ के किसी और को पार्टनर बनाता, तो वो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। एंड ऑफ द अनकबूत में जो एक अल्लाह सुभान अल्लाह ताला एक एग्जांपल दिए थे, जो स्पाइडर वेब का है ना, तो इट वाज सो मच कमज़ोर कि स्पाइडर वेब पे अपन रिलाई कर सकते नहीं, वैसी ही क्या है अदर डियटीज पे रिलाई करना, इट्स लाइक अ कमज़ोर। तो यहाँ पर मुशरिकीन ऑफ मक्का क्या है, क्रिटिसाइज कर रहे थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या क्यों चूज करे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक ऑर्फन है, वो वेल्दी भी नहीं है, उन्होंने उतने पैसे वाले भी नहीं हैं, तो ये क्या नौजबिल्ला अल्लाह सुभान अल्लाह ताला कोई मिस्टेक करे क्या। तो उन लोगों की क्या चॉइस, उनकी क्या सोच थी मालूम, वलीद बिन मुगीरा जो मक्का का जो एक मतलब जो वेल्दी पर्सन है उसको बनाना, या फादर ऑफ खालिद बिन वलीद को बनाना क्योंकि वो ज़्यादा पैसे वाला है एंड ही हैज़ लॉट ऑफ सन्स, अथॉरिटी है, या उर्वा बिन मसूद जो ताइफ के, तो इन लोग ये सोच रहे थे। लेकिन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन चूज करे, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला चूज करे ना। तो अब जिसको भी चूज कर रहे हैं वो क्या है, ये अल्लाह का डिसीशन है। सूरतुल ज़ुख़रुफ में आयत नंबर 31 में भी बताते, जो कुरान भेजे तो ऐसा नहीं है
अल्लाह अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसको चाहे चूज करे, अल्लाह की पूरी सुप्रीम अथॉरिटी है, इसमें किसी का भी चलने वाला नहीं है जोर, यहाँ पर वो बात बताया जा रहा है। तो इनकरेक्ट थिंकिंग है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स हम सब क्या है, अल्लाह के सर्वेंट है, स्लेव ऑफ अल्लाह है, हमारे अंदर अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कोई चीज की चॉइस एंड अथॉरिटी है, बट अल्टीमेटली हु गोनो चूज, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला। हु मेड द प्रॉफिट्स, कौन बनाए, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बनाए, तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि वही है। और असलाम जो हम बोलते हैं ना अल्लाह ताला के नामों में, तो वो क्या है, वो कंप्लीट एक पीस एंड अथॉरिटी, नॉलेज, परफेक्शन, विजडम एंड अल्टीमेट डिसीशन उन्हीं का है, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला। तो और आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और जैसे चाहे उसको चुन लेता है, उनमें से किसी को कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह ही के लिए पाकी है, वो बुलंदतर है और उस चीज से के लोग शरीक करते हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं सुभान अल्लाह व ताला अम्मा युशरिकून। और शिर्क क्या है, जुल्मन अजीम है, शिर्क नहीं करना है। और फिर आगे आयत नंबर 69 हम सूरतुल कसस कर रहे हैं, व रब्बु का यालमो, और आपका रब, यालमो क्या है, इल्म है, अल्लाह ताला को सारा इल्म है। आयत नंबर 69 में फरमाते हैं उनके सीने जो कुछ छिपाते और जो कुछ जाहिर करते हैं आपका रब सब कुछ जानता है। लेकिन वो रब्बु का यालमो मा तुकिन्नु, तुकिन्नु क्या है, कोई चीज कंसील करना, छुपाना। सुदूरुहुम क्या है, चेस्ट को बोलते हैं, उनके सदर में क्या है, हम सबके सदर में, सीने में क्या है, दिल। वमा यूलिनून, एंड जो भी यूलिनून ऐलान के लिए बोलते हैं ना, मतलब जो भी वर्बलाइज करो, ओपनली कहो, या तुकिन्नु दिल में छुपा के रखो, अल्लाह नोज एवरीथिंग, अल्लाह हैज कंप्लीट नॉलेज अबाउट इट। तो यहाँ पर बता रहे हैं तुकिन्नु कर रहे हैं तुम, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला तुम्हारे दिल के भेद, सीनों के भेद जानता। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, मुशरिकीन क्या करे, जो भी बैड फीलिंग थे उनके दिल में, जैसा कि जलसी है, हेट्रेट है, किसके तरफ थी ये सारी जलसी हेट्रेट, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक इंसान को जो एक ओहदा दिया गया, एक प्रॉफिट हो दी गई, तो इनके दिलों में वो काइंड ऑफ जलसी के वजह से ऐसे बिहेव कर रहे। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बता रहे हैं कि नहीं, ये मेरा अपना डिसीशन है, एंड यू नो व्हाट एवर यू आर थिंकिंग इन योर हार्ट आई नो अबाउट इट। तो हमारा शाइनेस क्या होना चाहिए, जब हम अपने दिमाग में कोई बात लाते हैं ना, तो हमारे अंदर शाइनेस होना चाहिए कि हमारे दिमाग में वो बात आ रही, हमारे दिल में वो बात आ रही, बिकॉज अल्लाह से बराबू का यालूम मा तो किन्नु सुदूरहुम वमा यूलिनून, तुम छुपाओ या वर्बलाइज करो, ओपनली बोलो, मुझे तो सब कुछ मालूम है। अब अल्लाह सुभान अल्लाह ताला का अमर क्या है, टू टाइप्स का रहता, जो अल्लाह ताला, एक कौनी रहता है, एक शरी रहती। कौनी क्या है, वर्ल्डली मैटर्स रहते, फॉर एग्जाम्पल आप बीमार है, या आपके पास कोई तकलीफ है, कोई पैदा हो रहा, बॉर्न हो रहा, डेथ हो रहा, ये सारे चीजें, ये सब मैटर्स क्या है, अल्लाह के परमिशन के वजह से ही हो रहे हैं। शरी क्या है, रिलीजन मैटर है, ये लेजिस्लेटेड है कि नमाज पढ़ना, कितने टाइम, 5 टाइम्स पढ़ना है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो कोई भी चीज़ है, सारे अथॉरिटी अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला के पास है, कौनी हो या शरी हो। और ये तुम हार्ट में रख लो, दिल में रख लो, या तुम एक्सप्रेस करो, अल्लाह नोज अबाउट इट। और फिर आगे अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला फरमाते हैं वहू अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, वही अल्लाह है, उसके सिवाय कोई लायक इबादत के नहीं, दुनिया और आखिरत में उसी की तरफ है, उसी के लिए फरमा रवाई है, और उसी की तरफ तुम सब फेरे जाओगे। लाइक यू नो वी हैव टू गो बैक टू अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला, वहू अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, लहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड, ऊला भी आखिरा, व लहुल हुक्म व इलैही तुरजऊन, वी ऑल हैव टू गो बैक टू अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला। तो यहाँ पर बता रहे हैं द फर्स्ट टू लास्ट, इधर बिगनिंग टू एंड क्या है, अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला ही सारी तारीफ और प्रेज के लायक कौन है, हम्दो सना के लायक सिर्फ अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला है, ये दुनिया में भी और आखिरत में भी और नेक्स्ट लाइफ में भी, जो हमारे मरने के बाद जो नेक्स्ट लाइफ, अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला क्या है, प्रेज वर्दी है, तारीफ के लायक है। सो जो अल्लाह ताला हमके हमारे लिए लेजिस्लेटेड कर दिए ना, वो बेस्ट है हमारे लिए। अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला के पास अल्टीमेट डिसीशन है, हुक्म है, और ऐसे डिसीशन इम्प्लीमेंट करते कि
कि जो हम एक चीज सोचते, ठीक है, एंड अल्लाह सुभान अल्लाह ताला जो सोचते अल्टीमेटली वो होता। तो हम जो सोचते ना, हम नाकिस सोच है हमारी, लेकिन अल्लाह ताला की इज द कामिल सोच। सो वी शुड यू नो एग्री व्हाट अल्लाह डज इट। ओके, अप टू सर्टेन एक्सटेंट आप कोई चीज कोशिश करते कराते, उसके बाद जो भी होता यू हैव टू सबमिट योर सेल्फ टूवर्ड्स अल्लाह सुभान अल्लाह ताला। तो हमारा बेस्ट इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, हम किसके लिए बदलना चाहिए, अल्लाह के लिए अपने मामला चेंज करना चाहिए। और अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, जन्ना है, वो दारुसलाम है। और वो दारुसलाम क्या है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगे, यहाँ पर टेस्ट एंड ट्रायल्स होने वाले हैं। अब सलाम मतलब क्या है, कंप्लीट पीस है, कंटेंटमेंट है। और यहाँ इस दुनिया में ना, कोई भी जगह अगर अपन ओन भी कर रहे हैं या कहीं पर विजिट भी कर रहे हैं, अल्टीमेट अपने आप में ना वो सुकून नहीं मिलता जो अल्लाह ताला की एक जन्नत है ना, बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है, तो वहीं पर मिल सकता। एक हदीस का मफहूम है जिसमें बताते हैं कि इस तरह प्रेस करे जन्नत का जो एक किस तरह से एक स्लेव ऑफ अल्लाह को जन्नत मिलेंगी। तो एंड ऑल्सो वी लर्न फ्रॉम द ऑथेंटिक नरेशन कि जन्नत क्या है, अपने बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन है। तो यहाँ पर हम आयत नंबर 68 to 70 में क्या लर्न करें कि अल्लाह अलोन है, उसके पास पूरा क्रिएशन का पावर है, नॉलेज है, चॉइस है, एंड ही डज इट वॉट एवर ही लाइक्स टू। और अगर किसी को प्रॉफिटहुड दे रहे हैं, वो अल्लाह की मर्जी है। ये सारे मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और वह हुआ अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, मतलब अल्लाह अकेला है और सिर्फ वो ही इबादत के लायक है। लहुल हम्दु फिल उला वल आखिरा, तो वही पहला भी है आखिर भी है। व लहुल हुक्म, और वही है जो डिसीशन के लायक है। और क्योंकि माइट पावर विजडम मर्सी सब अल्लाह सुभान अल्लाह ताला के पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। और हम जिस तरह कोशिश करेंगे हमारा एंड रिजल्ट वही मिलेगा। अब आयत नंबर 71 to 73, वी आर डूइंग सूरतुल कसस। अब यहाँ पर कुल अरअयतुम, अब यहाँ पर इस तरह बात की जा रही है, क्या तुमने देखा है, कुल कह दीजिए। जब भी ये बात आती ना, कुल मतलब आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया जा रहा है, कह दीजिए। आयत नंबर 71, कह दीजिए कि देखो तो सही, अगर अल्लाह ताला तुम पर रात ही रात कायम कयामत तक बराबर कर दे, तो सिवाय अल्लाह के कौन माबूद है जो तुम्हारे पास दीन की रोशनी लाए, क्या तुम सुनते ही नहीं। लाइक यू नो हियर आयत नंबर 71 में देखिए अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अगर नाइटिच रहेंगी कंटिन्यूस टिल द डे ऑफ रेजरेक्शन, और कोई अल्लाह के अलावा कोई है जो रोशनी कर सकता, फिर अल्लाह ताला यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अफला तस्मऊन, क्या तुम नहीं सुनते। यू नो हाउ वी से, इफ वी से समथिंग टू आवर चिल्ड्रेन और किड्स को हम बोलते हैं, तो बोलते हैं क्या क्या हुआ, बात क्यों नहीं समझ में आ रही, क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं सुन रहे। तो अल्लाह ताला बोल रहे अफला तस्मऊन, क्यों नहीं समझ में आ रहा, सुने क्यों नहीं आ रहा तुम लोगों को ये बात। तो सरमद क्या है मालूम है, सीन रा मीम दाल या सीन रा दाल। सरमद का मतलब ये है कीप गोइंग, जाते जाना, नेवर एंडिंग है ये, नो पॉज, कंटिन्यूस विदाउट एनी एंड। तो सरमदा क्या है, समथिंग डज नॉट हैव बिगनिंग और एंड, ना उसकी बिगनिंग है ना तो एंड है। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला क्या है, नाइट को कंटिन्यूस बनाए विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट सनलाइट, अगर डे ऑफ जजमेंट तक, जस्ट लाइक इमेजिन करो ऐसा होता, तो लाइट कौन ला सकते थे, क्या तुम नहीं सुनते। मतलब इट्स लाइक यू नो तुम्हारा दिल नहीं समझ रहा क्या, तुम्हारा दिमाग नहीं समझ रहा क्या, दैट्स हाउ इट्स इट्स द क्वेश्चन। एक माने में आपको दिमाग यूज करो, अपना दिल यूज करो, क्या हुआ ये। अब क्या है, हमारी वीकनेस है, हम चाहते रात हो गई तो सो जाओ, दैट्स हाउ वी आर प्रोग्राम। हम सब ऐसे ही प्रोग्राम किए गए कि रात में सोना दिन में जागना। अब दैट्स अ डिफरेंट इशू, अगर किसी का एक्सेप्शन है, उनको नींद नहीं आ रही, इट कैन बी एक्सेप्शन, इट्स नॉट लाइक यू नो हर किसी के साथ। लेकिन वो भी इंसान अगर कोशिश करे ना, फिर दे कैन हैव द नींद एंड दे कैन हैव द सुकून। बट अल्लाह ताला बोल रहे हैं अगर रात ही रात रही दिन नहीं रहा, तो क्या कर सकते आप चेंज कर सकते क्या, नहीं कर सकते। और जैसे मैंने बताया वर्ड क्या इस्तेमाल हुआ, सरमदन, इट्स लाइक यू नो कीप गोइंग, जाते ही जा रहा, एंडिंग नहीं है, कोई पॉज नहीं है, कंटिन्यूटी है। तो
ऐसी जिसकी ना बिगनिंग है ना एंड है, सो कैन यू एबल टू चेंज इट? डू यू लाइक डू वी हैव इख्तियार कि हम ऐसा कुछ कर सकते क्या? नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज है। अल्लाह सुभान अल्लाह ताला बोल रहे हैं तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी इख्तियार इन दैट। फिर आगे फरमाया जाता आयत नंबर 72, पूछिए कि ये भी बता दो कि अगर अल्लाह ताला तुम पर हमेशा कयामत के दिन ही दिन रखे, मतलब पहले क्या बोले थे रात का था, एंड नाउ सेइंग कि अगर दिन ही दिन रखे तो भी सिवाय अल्लाह ताला के कोई माबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए जिसमें तुम आराम हासिल करो, क्या तुम देख नहीं रहे हो? अब यहाँ पर क्या है, अफला तुबसीरून, पहले क्या था कि तुम सुनते नहीं, अब यहाँ अफला तस्मऊन था, अब क्या है तुबसीरून है। ईदर वे अगर आप दिन भी हो रात भी हो, वी वॉन्ट दिन भी एंड वी वॉन्ट रात भी। इट्स नॉट लाइक ए कंटिन्यूस दिन रहा तो भी अपन मैनेज नहीं कर सकते इतनी रोशनी, बिकॉज रात की एक ट्रैंक्विलिटी पीस अलग रहती जो रात में अपन सोते, कभी भी क्या करते अपन कर्टन्स डाल के पूरे ऐसी रोशनी नहीं आना एंड देन वी स्लीप, राइट? तो दिन भी चाहिए अपने को काम करने के लिए, माश के लिए, और रात भी चाहिए, तो हमको दो भी चीज हैंड टू हैंड चाहिए, इजंट इट? तो ये चीज यहाँ पर बयान की जा रही है, एंड दिस इज द अदर वे अराउंड, ओके? लाइक दिन दिन की भी इम्पोर्टेंस बताई जा रही। तो अदर देन अल्लाह कोई है डे ऑफ रेजरेक्शन तक कि अगर दिन ही दिन रहा तो तुम नाइट में तब्दील कर सकते क्या? तो अब यहाँ पर अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला फिर जगाने के लिए क्या बोल रहे हैं, अफला तुबसीरून। और फिर आगे फरमाया जाता है आयत नंबर 73 में, उसी ने तो तुम्हारे लिए अपने फजल व करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए हैं कि तुम रात में आराम करो और दिन में उसकी भेजी हुई रोजी तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। वाई दिस इज द थिंग बोल रहे हैं कि ताकि तुम शुक्र अदा, ये सारे चीजें क्यों हैं, सो दैट वी विल बी थैंकफुल। देखो यहाँ पर आप देखिए आयत में, वला अल्लकुम तशकुरून, व्हाट इज द एंड रिजल्ट? अगर हम कोई चीज एक देख रहे हैं, एक सवाल होता, उसका आंसर होता, तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला आस्क क्वेश्चंस, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? डोंट यू यूज योर हियरिंग एंड लुक एट द प्रीवियस आया, अल्लाह इज सेइंग अफला तुबसिरून एंड अफला तस्माउन, एंड नाउ अल्लाह इज गिविंग आंसर वलअल्लकुम तशकुरून। देखो मैं दिन भी करा रात भी करा, व्हाई डोंट यू बी थैंकफुल? लैल भी है, नहार भी है, सब है, फिर क्यों तुम शुक्र गुजार नहीं हो रहे? क्या क्या रीजन क्या है? इंसान कब शुक्र गुजार होता ना, जब अल्लाह की पहचान होती। सो व्हेन अल्लाह की पहचान नहीं होती ना तो इंसान शुक्र गुजार भी नहीं होता। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं उसने तुम्हारे लिए अपने फजल व करम से दिन रात मुकर्रर कर दिए कि तुम रात में आराम करो और दिन में उसी की भेजी हुई रोजी तलाश करो। दिस इज द लाइक यू नो आंसर ऑल्सो इज गिवन, रोजी तलाश करो, ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो। तो व मिन रहमत ही, अल्लाह की रहमा है, जाला लकुमुल लैला, अल्लाह ताला लैल बनाए, वन नहारा रात बनाए, ली तस्कुनू क्या है, सकना से है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अपने को कितनी मिलती ना रात में, रात की जो सुकून की नींद रहती वो बात ही अलग रहती, फी ही। और फिर वो बता रहे हैं कि दिन में क्या करना, वली तब तहू इन फदली, अपना फजल तलाश करो। अब आजकल क्या हो गया, बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन इट्स नॉट हमारी हैबिट बना लेना कि बस रात को दिन बना दो, दिन को रात बना दो, ऐसा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करे। आफ्टर ऐशा भी जागते थे ना, दे शुड बी सम रीजन फॉर इट। और सकना क्या है, सुकून से है, डार्कनेस ऑफ नाइट, ये हमारे लिए बहुत एसेंशियल है। सुकून क्या है, सिर्फ रात में ही मिलता, और बाज लोगों को तो इतना रहता कि 9:30-10 बजे मतलब दे गो टू स्लीप, एंड दैट्स अ गुड थिंग, बिलीव मी इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि लाइट जब ट्रिगर करती है ना अपने आंखों को, बहुत सारे लोगों को रोशनी के वजह से दे कांट स्लीप, तो फिर अपने आईज पे कुछ कवर करके दे स्लीप, अगर दूसरे इंसान को लाइट ऑन रखना है, तो ये चीज हमारे लिए जरूरी है। एंड अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला सेज फ्रॉम आयत नंबर 71 to 73, व्हाट वी लर्न, दिन भी जरूरी है, रात भी जरूरी है, ये ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह है, ये साइंस ऑफ क्या है, तौहीद, अल्लाह की वननेस के बारे में है। अल्लाह ताला रिमाइंड कर रहे हैं अपने सर्वेंट्स को कि देखो रात है, दिन है,
ये तुम सरवाइव नहीं कर सकते, ये डे ऑफ रेजरेक्शन तक अगर मैं रात रख दूँ, दिन रख दूँ, तो क्या तुम इसको मेक चेंजेस कर सकते? नहीं कर सकते। फिर तुम क्यों अफला तस्मऊन क्यों नहीं कर रहे, अफला तुबसिरून क्यों नहीं कर रहे? सुकून है रात में, दिन में अपनी रोटी रोजी तलाश करो, ये काम करो और मेक यूज़ करो दिन और रात का। फिर अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला इसी तरह एक दूसरे सूरे में मेंशन किया, सूरे नंबर 25 एंड आया नंबर 62, कि अल्लाह ताला यह रात भेजता, दिन भेजता सक्सेशन में। वह हुआ लजी जाल लैला व नहारा खिलफतन लिमन अरादा अन यज़क्करू औ अरादा शुकूरा। तो मतलब व्हाई डोंट यू बी थैंकफुल, क्या जो तुम चाहते, तो क्या है ग्रैटिट्यूड इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम शुक्रगुजारी करते ना, अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला शुक्रगुजारी को पसंद करता। एंड यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम जो काफिरून बोल के आता, लिटरल कुफर में भी आएंगे एंड ऑल्सो फॉर द नाशुक्री भी आएगा। आयत नंबर 74 सूरतुल कसस। अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है जैसा जो आइडल्टर्स है ना उसको किस तरह रिब्यूक करे, वहाँ पर वो चीज़ मेंशन की जा रही। व यौमा युनादीहिम फयकूलु अयना शुरकाई अल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून। और जिस दिन उन्हें पुकार कर अल्लाह ताला फरमाएगा, जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहाँ है? अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला बोल रहे हैं, अच्छा तुम जो पार्टनर्स बना के रखे थे कहाँ पर है आज वो लोग? वेयर आर दे? बिकॉज दिस इज लाइक यू नो दे आर डूइंग शिर्क, एंड शिर्क इज जुल्मन अजीम। एंड शिर्क की तौबा करे बगैर अगर मर गए तो माफी नहीं है। यू हैव टू डू द तौबा, और अवर थिंग्स शुड बी अकॉर्डिंग टू वननेस ऑफ अल्लाह। तौहीद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी इंसान ईमान रहता, अमल साले करता, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम में फ़र्क क्या है? वननेस ऑफ अल्लाह। वी बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह, वी डोंट से अल्लाह मोर देन वन है, इजेंट इट? इफ़ यू आस्क अ 2 ईयर टू ईयर ओल्ड किड या 3 ईयर ओल्ड किड, उससे पूछो कि अल्लाह में और दूसरे में क्या है, ही विल शो वन फिंगर, शी विल शो वन फिंगर, नहीं अल्लाह एक है, इजेंट इट? एवरीबडी नोज अल्लाह इज़ वन। तो अगर जो शिर्क कर रहे हैं, डियटीज ऐड कर रहे हैं, ये है अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इज सेइंग या रिब्यूक कर रहे हैं आइडल्टर्स को कि क्या है तुम जो शरीक ठहरा रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, डू यू हैव एनी प्रूफ फॉर दैट, व्हाई यू आर डूइंग इट, क्यों तुम आइडल्स को पूजा करते? फिर बता रहे हैं, और हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर लेंगे। अब यहाँ आयत नंबर 75 में बता रहे हैं, हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर लेंगे कि अपनी दलाइल पेश करो, बस उस वक्त जान लेंगे कि हक अल्लाह ताला की तरफ है, और जो कुछ इफ्तरा वो जोड़ते थे सब उनके पास से खो जाएंगे। इफ्तरा लाइक यू नो दे आर फैब्रिकेटिंग द थिंग्स। तो ये जो भी ये शिर्क कर रहे हैं ना, ये फैब्रिकेशन कर रहे हैं। तो अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला बोल रहे हैं, ये जो जो भी तुम्हारे साथ तुम शरीक ठहरा रहे ना, वो एक दिन क्या हो जाएंगे मालूम, लोग गुम हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। और यहाँ पर हर नेशन से नज़ा आना क्या है, नज़ा मतलब कोई चीज़ पुल आउट करना, एवरी नेशन से विटनेस करेंगे। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मुस्लिमा पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे, तो उन लोग क्या है मैसेज रिसीव करें, दे कन्वे द मैसेज। तो अब हमारे पास जो अगर इग्नोरेंस है, हम इल्म हासिल नहीं कर रहे, वो हमारा मिस्टेक है, लेकिन प्रॉफिट्स दे कन्वे द मैसेज। तो यहाँ पर बता रहे हैं एक्सट्रैक्ट करेंगे एवरी नेशन से विटनेस और पूछेंगे कि क्या है तुम्हारे पास प्रूफ। तो सारी ट्रुथ क्या है, अल्लाह को बिलोंग करता, और जो भी अदर डियटीज थे ना, फॉल्स डियटीज थे ना, वो सारे दानिश हो जाएंगे। फिर आयत नंबर 76 से क्या होगा, मौजू चेंज होगा, टॉपिक चेंज होगा, कारून के बारे में शुरू होगा। तो लेट्स कंप्लीट 74 और 75 में क्या है, यहाँ पर जो जो प्रॉफिट्स भेजे गए, दे विल बी विटनेस, दे विल बी आस्क द क्वेश्चन, डिड यू कन्वे द मैसेज, एंड दे डिड कन्वे द मैसेज, उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिए और प्रूफ भी है, और हम वननेस ऑफ अल्लाह में बिलीव करना है। और ये जो दूसरे डियटीज को ऐड कर रहे हैं या पूछ रहे हैं, चाहे वो श्राइन पे जाओ, दरगाह पे जाओ, या किसी और को, या कोई आपका पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर चीज़ करना, वो भी शिर्क है, या नहीं तो लोगों को दिखा के करना, वो भी माइनर शिर्क है। मतलब दिखावे की नमाज हमारे मुंह पे मार दी जाएंगी, हम किसके लिए नमाज पढ़ना है, अल्लाह के लिए। अगर हम लोगों को शो ऑफ करने के लिए रिया कर रहे हैं तो वो भी क्या है, शिर्क के असगर है। एंड ऑल्सो लाइक यू नो दे आर मैनी शिर्क इन द डिफरेंट फॉर्म्स, लाइक वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू दुनियावी थिंग दैन द नमाज,
आपके ऊपर इतना हावी हो जाता, इतने ज्यादा कैरिड अवे हो जाते अपने हवा, मतलब अपनी लाइक यू गिव मोर इम्पोर्टेंस टू हश। तो वैसा भी तो नहीं करना है ना। तो उस दिन जो जो चीजों को हम अपना माबूद बना लिए ना, इट कैन बी एनीथिंग, पर्सन टू पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि एवरीबॉडी इज गोइंग टू द श्राइन एंड डूइंग द थिंग्स आस्किंग अदर डियटीज। इट कुड बी योर ओन ख्वाहिश, इट कुड बी एनी पर्सन, इट कुड बी एनी स्टोन, इट कुड बी एनी प्लेस, पर्सन टू पर्सन इट वेरीज। सो वी हैव टू ओवरकम दैट। हियर नाउ द एज आई मेंशन, अब मौजू चेंज हो रहा है। यहाँ पर अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अब जो कारून है ना, तो देयर आर फ्यू थिंग्स अबाउट कारून। कारून क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों में से ही वॉज वन ऑफ द फ्रॉम द पेट्रनल साइट कारून, और उसके पीपल के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरह उन लोग अपनी एरोगेंस के बारे में मेंशन किया गया। और कारून के बारे में जब मेंशन किया गया एंड उसके बारे में बताता कि वो जमीन में धंसते जा रहा क्योंकि उसके एरोगेंस के वजह से। देखो अल्लाह ताला है ना रज़ाक, हर चीज़ अल्लाह देने वाला है। अगर हम अपने आप को समझ रहे हैं कि नहीं, बिकॉज ऑफ मी, इट्स मी, आई डिजर्व दिस, दैट इज़ द थिंग, फिर वो भी क्या है, कलिमा कुफर हो जाता। इन्ना कारून अकाना मिन कौमी मूसा। अब कारून कौन था? कौमे मूसा से था। आयत नंबर 76 से कारून था तो कौमे मूसा से, लेकिन उन पर जुल्म करने लगा था। हमने उसे इस कदर खजाने दे रखे थे, कई कई ताकतवर लोग बमुश्किल उसकी कुंजियां मतलब कीज उठाया करते थे। एक बार उसकी कौम ने उससे कहा कि इतरा मत, सम पीपल दे सेड कि तुम इतने बोस्टफुल मत हो, एरोगेंट मत हो। अल्लाह ताला इतराने वालों से मोहब्बत नहीं रखता। अब देखिए यहाँ पर कितना अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला रेटोरिकली आस्किंग अगेन एंड अगेन क्वेश्चंस। एंड नाउ हियर व्हेन यू सी द आया हाउ इट एंड्स, लेट्स गो इन द डिटेल। इन कारून, अब ये कारून क्या है? एक नाम है, एक पर्सन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के फार अवे रिलेटिव्स में है। अल्लाह नोज बेस्ट, क्योंकि सम ऑफ द तफसीर इट से ऐसे पेट्रिनल अंकल के तरफ से कोई रिश्ता है, एंड सम ऑफ द नरेशंस बिकॉज दैट्स व्हाट इट्स मेंशन, बट देर वाज नो सच थिंग लाइक ऑथेंटिसिटी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अल्लाह नोज बेस्ट, बिकॉज फ्यू ऑफ देम वाज फाउंड इन इब्ने कसीर। इट वाज मेंशन के बहुत मतलब स्ट्रांग पर्सन था इन सेंस फाइनेंशियली, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी एंड ऑल। और वो मूसा अलैहिस्सलाम के ट्राइब से था, बट जाके फिरौन से मिल गया था और हमेशा उनका साथ देता था, क्योंकि ही वॉज मुफसिदुना फिल अर्थ, ही वॉज क्रिएटिंग करप्शन इन द लैंड, एंड ही हैज़ हॉटिनेस, ही वॉज लाइक डूइंग द गुरूर एंड तकबुर। सो दैट्स वॉट इट सेज। सो ही वॉज अ रेबेलियन पर्सन, ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज़ नॉट अप्रिशिएटेड इन द कुरान। एंड ऑल्सो देर आर नरेशन इन द हदीत विच वॉज नॉट अप्रिशिएटेड रिगार्डिंग द कारून। सो कारून के बारे में यही आता कि उसके जो खजाने थे, तो उसके जो कीज थे इतने ज़्यादा हैवी बर्डन थे, जैसा कि आजकल के ज़माने में आप समझिए कि कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और उसको उठाना पड़ा तो ही इज़ नॉट एबल टू कैरी। एंड इन वन ऑफ द नरेशन इट वॉज मैंशन कीज ऑफ कारून कैसे थे, लेदर के बने हुए थे बोलते, और एक एक ऐसा था कि लाइक अ फिंगर, और सेपरेट स्टोर रूम्स थे, और उन लोग को कैरी करने के लिए बड़े बड़े हॉर्सेस या म्यूल्स पे कैरी करते थे। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट वो कीज के, खजाने के जो कीज थे। तो जस्ट थिंक अबाउट के खजाने कितने होंगे। कोई बोलते हैं कि दिस आर द वीक नरेशन एंड जस्ट मेंशनिंग दैट, लेकिन अल्लाह नोज बेस्ट, क्योंकि उसमें ये भी आता कि सम ऑफ द नरेशन सेज कि उसको एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया था जिससे कि ही नोज टू मेक मनी, लाइक मे बी गोल्ड बनाने का या क्या है, अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन ही वॉज बोस्टफुल बिकॉज अल्लाह गेव एवरीथिंग। तो अब इससे क्या होता, अब देखिए दुनियावी चीज़ों में हम जब रहते ना, जिसके पास भी कुछ रहता, तो पीपल गेट अट्रैक्टेड, और पीपल गेट अट्रैक्टेड इट कैन बी एनी एज। अब इसमें एज बैरियर नहीं है, लोग ना बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो जाते, अमेज्ड हो जाते, फिर उसके बाद कैरिड अवे भी हो जाते हैं वो चीज़ों में और खुश होना शुरू होते हैं। अच्छा उनके पास ये है, एक पैसा क्या है अट्रैक्ट करता अप टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन इसी में आपको बताया जाएगा कि किस तरह लोग उसको रोकते के नहीं तुम ऐसा मत करो, क्योंकि यहाँ पर
बताया जा रहा कि इन्ना कारूना काना मिन कौमी मूसा फबगा अलैहिम, वो क्या कर रहा था, बगा, ही वॉज डूइंग जुल्म। व आतैनाहु मिनल कुनूज़, कुनूज़ क्या है, हिडन ट्रेजर को बोलते, उसके पास कुनूज़ था। मा इन्ना मफातिहु, मफातिहु मिफ्ताह की जमा है, मफातिहु मिफ्ताह मीन्स कीज़ को बोलते हैं। और लतनु बिल उस्बती, और उसके पास बड़े बड़े मतलब ग्रुप्स थे, ऊला और कुव्वती, मतलब दे वेर लाइक फिजिकली स्ट्रांग पीपल। ओके, इस कॉल लहू कौमुहु, जब वो लोगों के सामने जा रहा था ना, ला तफरा, उन्हें अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहा था कि मैं कोई चीज़ हूँ, तो लोग क्या बोले मालूम उसको, इन्ना अल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह मोहब्बत नहीं करता जो फरीहीन करते, अपने आप को बोस्टफुल करते, अपने आप को शो ऑफ करते। तो यहाँ पर वो चीज़ मेंशन की जा रही, डोंट बी बोस्टफुल, अल्लाह डज नॉट लाइक दोज हु डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो लेटर ऑन देन व्हाट हैपेंस, आई नंबर 77, तो वबतगी फीमा, अब कारून का जो कंटिन्यूस इसका जो किस्सा है कि और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है उसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख, और अपने दुनियावी हिस्से को भी ना भूल, और जैसे कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है तू भी अच्छा सलूक कर, और मुल्क में फसाद का खा ना हो, यकीन मान के अल्लाह मुफसिदों को नापसंद रखता है, ला युहिब्बुल मुफसिदीन। तो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला इज सेइंग, पहले क्या था, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह ताला मोहब्बत नहीं करता फरीहीन से, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डोंट डू मुफसिद, यू नो डोंट क्रिएट करप्शन इन द लैंड, बिकॉज यू हैव टू बी थैंकफुल, जो कुछ अल्लाह ताला दिए तुमको उसमें आखिरत के घर की तलाश करो। देखिए दौलत इटसेल्फ इज नॉट बैड, ये मत सोचिए कि अच्छा दौलतमंद रहना बुरा है, पैसा कमाना बुरा है, देखिए सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है ये भी पूछेंगे, अल्लाह ताला कहाँ स्पेंड करे ये भी पूछेंगे, अर्निंग इटसेल्फ इज नॉट बैड, रिमेंबर दैट हदीस, दो लोगों पे हम रश्क कर सकते, एक जो उसके पास पैसा है दौलत है एंड ही और शी स्पेंड्स फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, यू कैन स्पेंड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, एंड वन हु गेन्स नॉलेज एंड स्प्रेड द नॉलेज। तो यहाँ पर क्या है, आखिरत के लिए अर्न करना, हियर आफ्टर का घर हम अर्न करने के लिए कोशिश करना, जन्नत जो हमेशा के लिए है, तो ये सारे हम अगर गुड डीड्स अर्न करने के लिए अपनी दौलत यूज़ कर रहे हैं एंड फॉर द कॉज ऑफ अल्लाह स्पेंड कर रहे हैं, नथिंग रॉन्ग है उसमें, लेकिन अगर इस दुनिया में ही फरीहून हो रहे हैं, बोस्टफुल हो रहे हैं, इतरा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये चीज़ अप्रिशिएटिंग नहीं है इस्लाम में, ये चीज़ अल्लाह ताला इसमें रेप्रमेंड करे, ये तंबी करे कि यू शुडन डू दैट, इवन हदीसों में भी ये चीज़ मेंशन किया गया, अगर आप कोई चीज़ शो ऑफ के लिए कर रहे हैं वो गुड नहीं है, आप माल को होल्ड कर करके रखना, जमा करके रखना, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि माल जमा करते जा रहे हैं, पुअर लोग पुअर होते जा रहे हैं और आप ज़कात नहीं दे रहे हैं, ज़कात का हमारा मकसद क्या है, इस्लाम इतना सही रिलीजन है कि हर किसी को अल्लाह ताला हेल्प करना चाहते, ऐसा नहीं है कि अमीर अमीरी हो रहा है इंटरेस्ट ले रहा है, इंटरेस्ट क्या है हमारे पास फॉरबिडन है, और ज़कात दे रहे हैं, ज़कात देने से क्या हो रहा है, पुअर पीपल भी एक उन लोग को भी कुछ हेल्प हो रही है, एंड सदका है, थ्रू आउट द ईयर सदका देते, वंस इन अ ईयर क्या करते, ज़कात देते, दैट्स हाउ द थिंग्स आर, बट इफ अ पर्सन लाइक अ कारून अर्निंग कर रहे हैं और अपने आप को क्रेडिट दे रहे हैं कि हाँ ये मैं हूँ, मेरे वजह से मेरे को मिला ये, मैं सर्टेन डिग्री हासिल करा उसके वजह से मेरे को ये मिला, ये करने से ये हुआ, ये करने से वो हुआ, नो दैट्स नॉट द थिंग। तो जो भी डू गुड कर रहे हैं अल्लाह अल्लाह के ऊपर छोड़ देना, अब अपन कोई चीज़ एक कोशिश करते ट्राई करते उसमें सक्सेस कौन देते, अल्लाह सुभान अल्लाह ताला देते, लेकिन ही वॉज थिंकिंग कि ये मैं हूँ, तो जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है उसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रखो और अपने दुनियावी हिस्से को भी ना भूलो, जैसे कि अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया, तो लाइक दिस इज़ अ एहसान, अगर अल्लाह ताला हमको दौलत दिया, हर चीज़ दिया, तो वी शुड बी थैंकफुल टू अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला, तू भी अच्छा सलूक कर, लाइक यू नो दे ही वॉज सेट के तुम अच्छा सलूक करो और मुल्क में फसाद मत करो, मुल्क में फसाद क्या करना है, देखो अब ये ऐसे करके इतरा के निकलते ना, कुछ लोग हैं जो अट्रैक्ट हो जाते, अट्रैक्ट होके उनका सोर्स ऑफ इनकम भी गलत हो जाता, बोलते हैं ना किबला अपना दुरुस्त करो, दैट काइंड ऑफ थिंग, तो लोग गलत चीज़ों में हो जाते, सोचते कि नहीं दौलतमंद रहना अच्छी बात है बट नॉट द बोस्टफुल वे। ओके,
और फिर यकीन मान के अल्लाह मुफसिदों को नापसंद करता है, इन अल्लाह ला युहिब्बुल मुफसिदीन। देखिए ये मार्क दिस आया, अल्लाह डज नॉट लव मुफसिदीन, जो करप्शन इन द लैंड कर रहे हैं। एंड दिस इज हाउ समटाइम्स क्या होता मालूम है, आप साइलेंटली भी करप्शन इन द लैंड करते। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनी वन, बिलीव मी इट इज फॉर मी फर्स्ट। लाइक हम कोई भी चीज पहन रहे हैं या कैरी कर रहे हैं अपने साथ, डोंट कंपेयर, और नीचा नहीं दिखाना है किसी को कि नहीं ये मैं अच्छी हूँ, मेरे ये कपड़े अच्छे हैं, मेरी ये चीज़ अच्छी है, फलां की बुरी, ये चीज़ मना है। आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे चीज़ें कैरी करो, इट्स फॉर योर ओन गुड, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट इन कंपेयर टू द अदर्स, एंड उनको बिलिटल करना, उनका मजाक उड़ाना एंड सेइंग कि नहीं मैं अच्छी हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पीस ऑफ ज्वेलरी हो सकती, या आपके द वे यू कैरी योर सेल्फ, इट कैन बी योर ओन स्टाइल, द वे यू यू कैरी योर सेल्फ, इट्स योर वे। आपको खुशी मिल रही है, आप इन द सर्कल ऑफ इस्लाम आप कोई चीज़ कर रहे हैं, तो वो इट्स ओके। लेकिन आप दूसरों को नीचा दिखाना कि अच्छा तुम्हारे पास ये नहीं है, वर्बलाइज नहीं कर रहे लेकिन इतरा के बता रहे, दैट इज नॉट अप्रिशिएटिंग। क्योंकि जैसा कारून को धसाते गए ना, आगे हम हदीसों में देखेंगे दूसरे लोगों को भी वैसी ही उनका अंजाम होने वाला है। तो बोस्टफुल पीपल को अगर हम फॉलो करेंगे तो एंड रिजल्ट क्या होगा, बोस्टफुल। कारून ने कहा ये सब कुछ मुझे मेरे समझ के बिना पर ही दिया गया है। लुक एट दिस, दिस इज द थिंग, आला इन्नमा। अब वो बोल रहा कि नहीं ये तो मैं हूँ भाई, मेरे वजह से मेरे को मिला, आला इन्नमा होती तो हो मेरे वजह से, इट वाज फॉर मी, यू नो आई एम द वन हु डिजर्व। कारून ने कहा ये सब मुझे मेरी समझ के बिना पर ही दिया गया है, क्या इस अब तक ये नहीं मालूम कि अल्लाह ताला ने उससे पहले भी बहुत सी बस्ती वालों को गारत कर दिया, लाइक यू नो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला बिफोर, ऑल्सो बिफोर द कारून, अल्लाह डिस्ट्रॉयड मैनी यू नो डिफरेंट पीपल, जो इससे बहुत ज़्यादा कुव्वत वाले और बहुत बड़ी जमा पूंजी वाले थे, और गुनाहगारों से उनके गुनाहों की बासपुरस ऐसे वक्त नहीं की जाती। यू नो द थिंग्स दे आर डूइंग, जो प्रीवियस नेशंस भी थे उन लोग भी ऐसे चीज़ें बोस्टफुलनेस करे तो उनका एंड रिजल्ट क्या हुआ, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। अल्लाह ताला क्या करते हैं, ऐसे लोगों को गारत कर देते, मिटा देते। बोस्टफुलनेस इज नेवर लाइट, और अल्लाह ताला को ऐसे चीज़ें पसंद नहीं आते। तो यहाँ हम इसके डिटेल में जाते हैं, तो यहाँ क्या बताया जा रहा कि अगर जो भी है अल्लाह ताला दिया, अल्लाह ताला की थैंकफुलनेस में अगर आप कर रहे हैं तो नथिंग रॉन्ग है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। आयत नंबर हम 17, 78 और 79 में यही मेंशन किया जा रहा है कि अगर तुम्हारा को कोई भी दिया, कोई चीज़ दी गई, बी थैंकफुल। लेकिन ये क्या कर रहा था मालूम, ये कह रहा कि नहीं ये मेरे वजह से दिया गया, अल्लाह ताला का इसमें कुछ वो नहीं है। तो ही वॉज नॉट थैंकफुल, मतलब ये एक माने में क्या है, ये नाशुक्री के कलिमात थे। इसी तरह से सिमिलर आयतें आते सूरह नंबर 39 आयत नंबर 49 में आता, फइज़ा मस्सल इंसान ना दुरु द आना, जब इंसान ना कोई एफ्लिक्शन टच होता, बीमारी होती या कोई सोन सुफर, तो उन्हें क्या करता, बहुत ज़्यादा अल्लाह को इबादत करता। जैसे ही उसकी वो ठीक हो जाता बोलता कि नहीं, वो अपने आप को बोलता इज़ा कब्बल ना हूँ नियमतन, जब उसको नेमत मिलती क्या बोलता उन्हें, मिन नकाला इन्नमा होती तो हुआ ला इल्म, मुझे इसलिए मिला क्योंकि मेरे अंदर इल्म है। एंड द सिमिलर थिंग, वला इन अज़खना रहमतम मिन्ना मिन बादी दर्राव मसद हो लयकूलुन्ना हाज़ा ली। इसी तरह सूरह नंबर 41 आयत नंबर 50 में भी क्या है, वो क्या कह रहा है, जब मर्सी आती, अल्लाह की रहमत आती और एडवर्सिटी आती, डिफिकल्टी आती, तो जब वो क्या करता, अल्लाह के तरफ रुजू करता। लेकिन जैसे ही एवरीथिंग गेट्स ऑल राइट, इट वाज सेड कि अल्लाह यकूलन्ना हाज़ा ली, ये तो मेरे तरफ से था, यू नो आई डिजर्व दिस, नो दैट्स नॉट द थिंग, इट वाज द रहमा ऑफ अल्लाह, यू हैव टू बी थैंकफुल टू अल्लाह। अगर थैंकफुल नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें क्या होंगे, छिन जाएंगे। फखरजा अला कौमिही, अब वो आगे इसी की बात कंटिन्यू हो रही, तो अब वो जिस तरह निकला, फखरजा अला कौमिही फी जीनती, अब ये जीनत करके जब निकल रहा ना, कुछ लोग तो अट्रैक्ट भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी होंगे। बस कारून पूरी आराइश के साथ अपनी कौम के मजमे में निकला, तो दुनियावी जिंदगी के मतवाले कहने लगे काश के हम भी किसी तरह वो हमें भी मिल जाता जो कारून को दिया गया है, ये तो बड़ी किस्मत का
धनी है। यू नो दे आर डूइंग रश कर रहे हैं कि अच्छा हमको भी ऐसा मिल जाता तो अच्छा था। फखरजा, अब मतलब समझिए कि या तो सामने से जा रहा या डे टू डे लाइफ में जो उसकी ज़िंदगी गुजर रही एंड एवरीबडी इज़ थिंकिंग कि अच्छा देखो ये तो कितना अच्छा है। जस्ट इमेजिन आजकल की ज़िंदगी में कैसा है, हम सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, फला 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 इंसान को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं हम फॉलो? अच्छा उसका स्टाइल अच्छा है, उसके पास ये है वो है, सो ऑन सो फोर्थ। दैट्स हाउ दे वेर फॉलोइंग, दीज आर लाइक यू नो के इन लोग ये मीडिया ऐसा है, समझिए वो ज़माने में ऐसा था, अब मीडिया इज़ डिफरेंट। ओके तो उन लोग जैसे ही वो देखे उसको इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं कि अच्छा हमको भी ऐसा मिल जाता तो अच्छा था। दिस इज़ लाइक हयात दुनिया एंड दे आर सेइंग या लैत लना मिसला मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छी चीज़ है, समझ रहे हैं उन लोग, अच्छा हमको भी ऐसा मिल जाता तो कितना अच्छा था। देखिए हर इंसान अलग अलग थिंकिंग वाला रहेगा ना, और ये बाज़ुकत फॉर टाइम बीइंग हो सकता, कोई इंसान कैरिड अवे हो सकता, फिर जैसे ही उसको ना बाज़ुकत बुराई की पहचान हुए बाद से ही अच्छाई की पहचान होती। इट डजेंट मीन समटाइम्स थोड़ी देर के लिए इंसान कैरिड अवे हो सकता बट नॉट फॉर एवर, राइट। तो अब ये जो एक दूसरी तरह के सोचने वाले लोग थे ना, दिस इज लाइक अ दुनियावी, उसमें ज़्यादा कैरिड अवे। लेकिन वकाल लजीना ऊतुल इल्म, अब इल्म वालों की भी बात को यहाँ पर मेंशन की जा रही, आयत नंबर 80 देखिए। तो अब जहाँ जी इल्म मतलब हु हैज़ द नॉलेज, जी इल्म लोगों ने उन्हें समझाने लगे कि अफसोस बेहतर चीज़ तो वो है जो बतौर सवाब उन्हें मिलेगा जो अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, ये बात उन्हीं के दिल में डाली जाती है जो सबर व सहर वाले हो। एंड दिस इज़ लाइक यू नो द पीपल ऑफ नॉलेज, वकाल लजीना ऊतुल इल्म, जिसको इल्म दिया गया है ना, द नॉलेजेबल पीपल। देखिए हर जगह हर दौर में नॉलेजेबल पीपल रहेंगे और उनका काम क्या है, सही नॉलेज, हिकमत से अच्छी बात करना एंड मेंशन करना कि हाँ दिस इज़ द राइट थिंग एंड दिस इज़ रॉन्ग थिंग। सो दैट्स व्हाट इट हैपेंड हियर। तो अब वकाल लजीना ऊतु इल्म, जो इल्म नॉलेज है, तो वैलकुम, तो हलाकत है तुम पे, सवाबु ये जो रिवॉर्ड है, अल्लाहु अल्लाह खैरन, अल्लाह का रिवॉर्ड बेटर है, लिमन फॉर हु आमना, जो ईमान लाए, व अमिलु सालिहन, जो अच्छे अमल करे। ओके वला युलक्काहा इल्ला साबिरून। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि नहीं, ये जो ग्रांट किया गया ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इल्ला एक्सेप्ट क्या है, जो साबिरून, जो सबर करे, ईमान और अमल इम्पॉर्टेंट है बट नॉट द थिंग जिस लाइक यू नो जो तुम लोग समझ रहे हैं वर्ल्डली थिंग। तो जी इल्म लोग बोले क्या, बोले समझने लगे कि अफसोस है बेहतर चीज़ तो वो है जो ईमान के साथ अमल एंड ऑल्सो यू शुड डू द सबर। इन वॉट कॉन्टेक्स्ट द सबर की बात हो रही, देखिए कारून क्या करा, अपने बहुत ही इतरा लेते हुए वो निकला, ठीक है, अपने आप को बोस्टफुल बता रहा, अच्छे आप अपने आप को, और कुछ लोग इससे कैरिड अवे हो गए। बट द पीपल ऑफ नॉलेज सेड कि नहीं इससे मत करो, क्योंकि आखिरत का जो है वो ज़्यादा है और लास्ट लॉन्गिंग है एंड दिस विल गो अवे, और राइचियसनेस इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ चले जाने वाली है। तो यहाँ पर कोई चीज़ अगर गलत हो रही तो दे आर सेइंग दैट गलत थिंग सो दैट यू नो द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। तो वही यहाँ पर बात मेंशन की जा रही है जी इल्म लोगों के बारे में। तो जब हमारे पास कोई चीज़ के बारे में नॉलेज है, करेक्ट इंफॉर्मेशन है, तो क्या हक करना चाहिए, यू शुड फॉरवर्ड दैट इंफॉर्मेशन और अच्छे तरीके से बोलना। ऐसा भी नहीं बोलना है कि लोगों को ना आप इंसल्टिंग वे में बोलना है, उसमें क्या होता मालूम कि लोग आपकी बात सुनने के जगह उनका ईगो रेस हो जाता, और ईगो रेस होने से क्या होता, और चीज़ें ख़राब हो जाती, सुधरेंगे थोड़ी। अगर हम अपने आप को इंक्लूड करके, एंड ऑफ कोर्स वी शुड, हम भी ऐसा कर सकते, हम तो माँ के पेट से ऐसा नहीं पैदा हुए, हमारे अंदर हम कोशिश कर रहे हैं आज तक भी, मतलब मरते दम तक भी कोशिश करेंगे ना। कैन वी टेक द गारंटी कि नहीं हम ऐसे, वो तो अल्लाह का रहम रहे कि हम सही रहे, स्टेडफास्ट रहे, एहदिन सिराते मुस्तकीम पे रहे, क्योंकि ये डरना चाहिए, हो सकता कोई इंसान, राइचियस इंसान भटक भी सकता ना, लेकिन हम क्या है,
एक अल्लाह का जो इल्म है उसके साथ डर भी होना चाहिए और अच्छी उम्मीद भी रहना चाहिए। एंड ऑल्सो डू द सबर, और राइचियस पीपल की कंपनी क्यों चाहिए? हम ये क्यों दर्स कर रहे हैं एवरी वीक? बिकॉज वी वॉन्ट राइचियस कंपनी, वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। वर्चुअली भी हम एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं। वो एक जो हमारे दिलों में मोहब्बत है ना, वो एक जन्नत लेके जाने वाली है। आपकी और हमारी मोहब्बत, ये जो ताल्लुक है, ये जो ताल्लुक है ना, मजबूत है। ये हमारा कोई खूनी रिश्ता नहीं है, लेकिन ये जो अल्लाह के लिए ताल्लुक है। अब क्या हुआ उसका? आयत नंबर 81 में देखिए, आखिरकार हमने उसे उसके महल समेत जमीन में धंसा दिया। कंप्लीटली उसको अपने साथ, उसको बोल रहे हैं कि फकसफा, मतलब किसी चीज को इमर्स कर देना, धंसा देने को बोलते हैं फकसफा। हमने उसे उसके महल समेत जमीन में धंसा दिया और अल्लाह के सिवाय कोई जमात उसकी मदद के लिए तैयार ना हुई, ना वो खुद अपने बचने वालों में से हो सका। यू नो हिमसेल्फ, वो अपने आप को नहीं बचा सका, और अल्लाह ताला उसको ये पनिश करे इस दुनिया में। तो इसी रिलेटेड मैं आपको हदीसें बोल रही थी कि ये जो बोस्टफुलनेस है ना, जैसा कारून करा, वो स्वॉलोड अप हो गया, ता कयामत तक उन्हें जमीन में धंसते ही जाएंगे। ऑथेंटिक नरेशन में आया कि वो एरोगेंसी के वजह से उसको जमीन निगलते जाएंगे, निगलते जाएंगे। और यहाँ पर आयत में क्लियरली मेंशन किया जा रहा है, फकसफना बिही व बिदारी ही अर्द, जमीन में, अर्थ में उसको धसाया जा रहा। क्यों? क्योंकि ये पोस्टफुलनेस अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला को पसंद नहीं। और हदीस का मफहूम यही आता, एक पर्सन अपने गारमेंट्स को ड्रैग करते हुए जा रहा था, तो बोले कि ऐसा पर्सन जो सिर्फ बोस्टफुलनेस के बड़े बड़े लंबे गारमेंट्स पहनते, बड़े बड़े गाउन्स है, या बड़े बड़े कोई अपने कपड़े पहन रहे और अपने आप को दिखाने, तो वो वैसे लोग अर्थ में संक होते जाएंगे डे ऑफ रेजरेक्शन। दिस इज लाइक यू नो, डोंट थिंक दैट अब जो भी लंबे कपड़े पहन रहे हैं एंड उनके लिए, यहाँ पर बात क्या है, की थिंक क्या है, आपकी सोच क्या है, इनमा अमल बिन नियत, आपकी नियत क्या है, मेरे को शो ऑफ करने, या आप ऐसी ही आप ड्रेस पहन रहे हैं और आपका वो मकसद नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना या मैं इतराने के लिए। दिस इज फॉर द इतराना, अगर कोई इतराने के लिए पहन रहा तो वो चीज को मना किया गया है। ओके, और एक क्या है, एक पर्सन था और दो ग्रीन अच्छे से गारमेंट्स पहने हुआ था, लेकिन बहुत प्राउडली एरोगेंटली वॉक कर रहा था, तो उसको भी बोले कि उसको संक डाउन टिल द डे ऑफ जजमेंट। एंड दिस इज टॉकिंग अबाउट द कारून, उन्हें डे ऑफ जजमेंट तक भी उन्हें धसते ही जाएंगा, धसते जाएंगे। तो एक पर्सन है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता कि वो पूछते रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं बहुत अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मेरे को अच्छा लगता, मैं अपने आप को अच्छा कैरी करता हूँ, क्या ये भी बोस्टफुलनेस है, एरोगेंस है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं, अगर तुम ये अपने लिए पहन रहे तो ये इसमें कोई बोस्टफुलनेस नहीं है, अगर तुम दिखाने के लिए, इतराने के लिए करेंगे तो वो बोस्टफुलनेस है। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट जो भी हम अपने आप को कैरी कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, और हमारा हक बनता है, अल्लाह ताला जो दिया उसकी शुक्रगुजारी भी ये है कि अच्छे से, जो अगर कोई इंसान की आदत रहती चार जोड़े पहनना, अच्छे पहनना, या कोई अच्छा पर्स कैरी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट यू शुडंट बी बोस्टफुल, या अपने आप को इतराना या दिखाने के लिए नहीं, और कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नहीं करना। बाज़त क्या आता, मैं पार्टीज में देखती हूँ कुछ लोगों के पास, भाई उनके पास गोल्ड या डायमंड्स नहीं रहते, अगर हम उनको ऐसी बात कुछ पूछ लेते, दे फील बैड, और उनका क्या है, हम ईगो जगा दिए जैसी बात है। दैट वी शुडंट आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। जो आपको अल्लाह दिया वो पहनो, जो दूसरों को दिया, हाँ हमेशा अप्रिशिएट ज़रूर करो, क्योंकि किसी के साथ आप तारीफ करते ना, वो खुश हो जाते, और ये एक अच्छी नेकी है। मैं ये नहीं बोलूँ कि झूठ बोलो, बट यू शुड डू द तारीफ, एंड तारीफ ऑलवेज शुड बी जेन्यून, नॉट द झूठी तारीफ। और जो लोग कल उसके मर्तबे पर पहुँचने की आरजू मंद थे, वो आज कहने लगे, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी, अगर अल्लाह ताला हम पर फजल ना करता तो हमें भी धसा देता, क्या देखते नहीं हो कि नाशुक्रों को कभी कामयाबी नहीं होती। तो पीपल दोज हु वेर सेइंग, अप्रिशिएट कर रहे थे कारून को, इतराना हुए, एंड देन दे रियलाइज इट एंड दे सेड, अल्लाह ताला जिसको चाहे यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशा मिन इबादी, अल्लाह ताला जिसका चाहे रिस्क बढ़ा दे और वयक़दिरु, और जिसका चाहे कंस्ट्रिक्ट कर दे, कम कर दे अल्लाह ताला रिस्क। और ये जो कारून को धंसा दिए, इससे
इन लोगों को एक इबरत हासिल हुई, एक लेसन लर्न करे, और बोले कि ला युफ्लिहुल काफिरून। एंड काफिरून क्या है? एज आई मेंशन बिफोर, कुफर टू काइंड्स ऑफ रहेगा। एक तो लिटरल कुफर, लाइक अ डिफरेंस बिटवीन अ मुस्लिम एंड अ नॉन मुस्लिम। दिस कुफर इज लाइक अ नाशुक्री। अल्लाह गेव एवरी थिंग एंड ही वॉज गिविंग क्रेडिट टू हिमसेल्फ। कौन? कारून। कि अच्छा मेरे वजह से, मैं हूँ ऊतिया, मेरे वजह से दिया गया, अना, यू नो, जैसा एवरी पर्सन सेज दैट। नो, वी आर नॉट एनी वन। अल्लाह ताला देना है हमारी रोजी रोटी। हम जब माँ के पेट में आते, जब भी अल्लाह ताला हमारा रिस्क लिख दिया और हमको मिल के रहना है। और रिस्क का क्या हम लर्न करे थे हदीस, यू रिमेम्बर, कि रिस्क ऐसा है जैसा मौत तुम्हारा को आके पकड़ लेती ना, रिस्क तुम्हारा आके तुमको ढूंढ लेता और तुम्हारा रिस्क तुमको मिलने वाला है। चिड़िया जब सुबह निकल के जाती है, उसके चोंच में कुछ भी नहीं रहता फिर, लेकिन भर पेट आती ना, बट यू हैव टू टाई द कैमल। इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हम कोशिश ना करो। आयत नंबर 83 कर रहे हैं सूरतुल कसस। एंड इन दिस इट्स मेंशन, आखिरत का ये भला घर हम उन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो ज़मीन में ऊंचाई बड़ाई और फ़खर नहीं करते, ना फसाद की चाहत रखते हैं, परहेजगारों के लिए नहायत ही उम्दा अंजाम है। सो दीज आर द की थिंग्स। अब ये दारुल आखिरा किसके लिए? नज अलुहा लिल्लज़ीना ला यूरीदुना उलुवन। उलुवन नहीं रहना चाहिए उनके अंदर, बोस्टफुल नहीं रहना उनको, पिलर दी वला फसादन, फसाद भी नहीं करना चाहिए। वह आकिबतुल लिल मुत्तकीन, उन्हों मुत्तकीन रहना चाहिए, अल्लाह का डर होना चाहिए, फसाद नहीं करना चाहिए, देन ओनली दे कैन हैव द गुड एंड रिजल्ट। एंड देन लेटर ऑन मन जाआ, दिस आया इज वेरी ब्यूटिफुल। इन दिस अल्लाह सुभान अल्लाह ताला सेज मन जाआ बिल हसनति फलहू, जो शख्स नेकी ले आएगा उसे उससे बेहतर मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसा बद अमली करने वालों को उनकी उन्हीं अमल का बदला दिया जाएगा जो वो करते हैं। सो वॉट एवर वी आर डूइंग नेकी, अल्लाह ताला उस लिहाज से देंगे। मन जा बिल हसना तो फलहू, हम जो नेकी कर रहे हैं ना, अल्लाह विल गिव दैट रिवॉर्ड, खैरुम मिन्हा, उससे भी बेटर, एंड अल्लाह विल गिव मोर इन द नेकी। व मन जा सैयाता, अब सैयाता कर रहे, बुरा कर रहे, तो उतना ही तेरा फला युजा। अल्लज़ीना अमिलु सैयाति इल्ला मा कानू यामलून, अब अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि जो भी तुम कर रहे हैं उनके उन्हीं अमल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे। तो हम जो करेंगे ना, हमारा एंड रिजल्ट वही होगा। अब ये नहीं सोच सकते कि आज यहाँ बुरा कर रहे हैं। एक तो क्या है, हुकूक अल्लाह हुकूक इबाद। बस लोगों के लिए हुकूक अल्लाह ईजी है, नमाज़ा पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, जब लोगों की बारी आ रही उनके साथ बुरा अमल कर रहे हैं तो वैसा भी नहीं कर सकते हम। ये दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाते, दोनों भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आया नंबर 85, इन दिस इट्स मेंशन के अब यहाँ पर जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाई, अब यहाँ पर किसकी बात हो रही? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस किया जा रहा कि जो आपके ऊपर वही के ज़रिए कुरान भेजे, जिसने आप पर कुरान नाजिल फरमाई है वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। सो आई विल टेल यू दिस, यू नो, कह दीजिए कि मेरा रब उसे भी बाखूबी जानता है जो हिदायत लाए हैं, और उसे भी जो खुली गुमराही में है। सो इन आया नंबर 85, तो अल्लाह सुबहान अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे हैं कि देखो ये कुरान तुम्हारे ऊपर भेजे, लाइक यू नो यू हैव टू कन्वे दिस मैसेज, और तुमको पहुंचा देना है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब रेवलेशन के थ्रू जो कुरान भेजे, ये उनको क्या करना है, जो डिसबिलीवर्स उनको वो कर रहे ना, हार्ड टाइम दे रहे, डोंट वरी अबाउट दैट, यू डू गुड और तुम आगे बढ़ो। एंड इंशाल्लाह इन द एंड आई विल टेल यू द यू नो डिटेल अबाउट इट। जो अब आयत नंबर 86, 87, 88 पे ये सूरत एंड होती, आपको तो कभी उसका ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजिल फरमाई जाएगी, लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरा, अब आपको हरगिज काफिरों का मददगार ना होना चाहिए। लाइक यू नो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर बता रही कि दिस इज़ द रहमा ऑफ अल्लाह सुभान अल्लाह ताला कि आप पे ये कुरान नाजिल की गई। सद क्या है? कोई चीज़ को रोकने को बोलते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है जो तुमको मैसेज कन्वे करना है मैसेज कन्वे करो, आयतें जो रिसाइट करना है, और तुम अपने रब के तरफ लोगों को बुलाओ और शिर्क की तरदीद करो, और ये जो सीरियसली आप जो वर्क कर रहे हैं अल्लाह सुभान अल्लाह ताला विल गिव द कामयाबी इन दैट,
और ये काफिर हैं जो जो काफिर लोग यू नो दे वर गिविंग हार्ड टाइम, इन दैट सेंस इट इज टॉकिंग अबाउट। और फिर ख्याल रखिए कि कुफर आपको अल्लाह ताला की आयतों की तबलीग से रोक ना दे, यू नो डोंट स्टॉप योर सेल्फ बिकॉज दे वर गिविंग वेरी हार्ड टाइम। तो बोल रहे हैं कि नहीं मत रुको, से रोक ना दे। उसके बाद के आपकी जानिब उतारी गई है तो अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिर्क करने वालों में से ना हो। सो दिस इज यू नो टेलिंग टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यू नो यू यू कन्वे द मैसेज और शिर्क के तरफ, तकुनन्ना मिनल मुशरिकिन, मुशरिकों में से मतलब डोंट लिसन टू देम एंड डोंट बी अमंग देम। फिर आखिर जो आयत है, अल्लाह ताला के साथ किसी और माबूद को ना पुकारना, एंड दिस इज लाइक यू नो completely abandoning the shirk. وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکانا, باجوز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور معبود نہیں, ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اسی کا منہ اور ذات, مطلب اللہ تعالیٰ کا چہرہ, اسی کے لیے فرما روائی ہو اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ دس از ویری بیوٹیفل آیا, یہاں پر اللہ کی ونس بتائی جا رہی ہے اینڈ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایک الون ہے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور بتایا کیا جا رہا ہے, ولا تدعوا مع اللہ الہًا آخر, لا الہ الا ہو, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی معبود نہیں ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے, وہ ایک ہے, کل شئین حالکن, ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے, فنش ہو جانے والی ہے, الا وجہ لہ حکم الیہ ترجعون, اور ہم سب کو کیا ہے, اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ سو دس آیا اینڈ دا فالوئنگ, اس میں کیا مینشن کیا جا رہا کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ ایک ورک اسائن کرے کس کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اینڈ دس از لائک یو نو ایسا ٹائم تھا کہ مائگریشن کرنا پڑا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اینڈ دس از لائک یو نو سم آف دا سورا از مکی اینڈ سم آف دا سورا از مدنی, so in that context then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam migrated because surah qasas kya hai at the time of hijra nazil hui thi, ye makki aur madani, part of makki hai part of madani hai, to musa alaihi wasallam ki story learn kare the starting, you remember umme musa ke bare mein how she did the sabr aur bole the ke prophet bhi banayenge and we will return your child to you, yaad hai wo hua, fir musa alaihi wasallam se kalam kare and also he went to Madian and he stayed over there, he came back with the family and ek accidental murder ho gaya tha, these all things mentioned right, to Musa alaihis salam Egypt gaye, come back ho gaye, prophet sallallahu alaihis salam ko ye sari cheeze mention ki this suratul qasas, aur isme jab prophet sallallahu alaihis salam ko makkah chhodna pada aur unko mushrikeen plan kar rahe the kill karne ke liye, to yahan par unko ek maane mein kya hai, console kare heart ko, دیکھو اللہ تعالیٰ بیٹر تمہارے لیے پلان کرتا ہے, اینڈ دیز آر دا قصص, قصص میں کیا تھا, موسٹ آف دا ٹائم موسیٰ علیہ السلام کی اسٹوری تھی, اینڈ دین ان دا اینڈ وی ہیو سین دا اسٹوری آف دا قارون, اینڈ ان بٹوین وی لرن دا اللہ کی وحدانیت, آل دیز تھنگس ویئر مینشن ون آفٹر اندر, اور بیوٹیفل اینڈ کیسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی وہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کا چہرہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ So this is the similar way Allah subhanahu wa ta'ala mention in different surah, surah Rahman mein bhi Allah ta'ala batate ki sirf Allah ta'ala hi rehne wale hai aur sare cheeze fana hone wale hai, sare cheeze come to end hone wale hai, Allah ta'ala hai jiska chehra rahega, kyunki kullu shay'in halikun illa wajha, waisi hi kullu man alaiha fan, surah ur-rahman mein bataya gaya ki har cheez perish ho jayengi, صرف اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ, وَبْغِ وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اللہ تعالیٰ کا چہرہ, کانٹیننس, وجہ آف اللہ رہنے والا ہے, تو کیا ہے, کل شئین حالکن ہونے والا ہے, تو ہم یہ چیز سمجھنا چاہیے, اور اس سے پہلے کے آیتوں میں کیا بتایا گیا کہ ایمان لو, عمل صالح کرو اینڈ ڈو دا صبر, تو آل دس تھنگس نیڈز لاٹ آف صبر, ہم جب صبر کریں گے, اچھی دعا کریں گے, کوشش کریں گے, we learn lot of things, let's wind up the whole of suratul qasas from start to end, from ayah number 1 to 88 we learn lot of things in that, ke starting mein ummi musa ka bahut bada sabr tha, bahut bada sacrifice tha, we get to learn so much because we all are mothers and grandmothers and so on so forth, so we learn that मदर को एक सैक्रिफाइस करके भी उनको रिजल्ट में कितना अच्छा मिला, एंड यू नो
how she has been rewarded by Allah subhanahu wa ta'ala. Greater the sacrifice, greater the reward. And also we learn how Musa al-Islam was. He made the dua. Unho completely broken ho gaye, shattered ho gaye, lekin give up ne kare, dua kare. To hum bhi yahi dua ke saath end karte hain. Jazakallah khairan kaseera. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك دعا کر لیتے